ठीक है, किसी भी छोटी संख्या का वर्ग हम कैसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं? जैसे आपके सामने यहाँ पे लिखा है 58 का वर्ग, तो 58 का वर्ग देखिए, नहीं कि तुरंत लिखेंगे 33, 64, 41 का वर्ग 16, 81, 53 का वर्ग 28, 09, 75 का वर्ग 56, 25। इतनी आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग हम कैसे ज्ञात कर लेते हैं, सीखेंगे हम आज के अपने इस वीडियो में। इसके लिए आज हम अपने इस वीडियो को 5 कैटेगरी में तोड़ देंगे। पहला कैटेगरी होगा कि उन संख्याओं का वर्ग याद करेंगे जो 41 से लेकर के 59 तक आते हों। दूसरी कैटेगरी में हम उनको तोड़ेंगे जो 91 से लेकर के 109 तक हों। तीसरी कैटेगरी वो होगी कि जिस संख्या के इकाई का अंक 5 होगा। चौथी कैटेगरी होगी कि अन्य छोटी संख्याओं का। और पाँचवीं और लास्ट कैटेगरी होगी इकाई का अंक 0 होगा। ये वाला सबसे ईजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं कैटेगरी नंबर 1। 41 से लेकर के 59 तक की संख्याओं का वर्ग हम किससे आसानी से ज्ञात करेंगे? इसके लिए हम एक संख्या मानेंगे अपने पास से 25। अपने पास से जूम कर लेंगे क्या, 25। इधर वाली संख्याएं जो हैं वो 50 से ज़्यादा हैं और इधर वाली संख्याएं जो हैं वो 50 से कम है। बस ये बात हम ध्यान रखेंगे कि कितना ज़्यादा है और कितना कम है। जितना ज़्यादा होगा 25 में, उतना जोड़ के वो हमारी पहली दो संख्या हो जाएंगे, और उसके बाद जितनी ज़्यादा होंगी वो हमारी अंतिम से दो संख्याएं होंगी उस संख्या का वर्ग। जैसे 53 का वर्ग निकालना है, तो 53 कितना ज़्यादा है 50 से, 3 ज़्यादा है। 53 50 से 3 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा उसका वर्ग इकाई का अंक के साथ अंतिम दो संख्याएं हो जाएंगी 09। 50 से 53 जो है 3 ज़्यादा है, इसलिए अंतिम संख्या लिखी जाएगी 09। जितना ज़्यादा होगा उतना ही 25 में जोड़ना होगा। 25 3 28, यानी 53 का वर्ग 28 09। 54 का वर्ग इसी प्रकार अगर निकालना हमको होता तो 50 से 4 ज़्यादा, तो अंतिम दो संख्याएं 16। 4 ज़्यादा है तो 25 में 4 जोड़ेंगे, 25 4 29 हो गया 54 का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार अगर इधर 50 से छोटी संख्याओं का हमको अगर वर्ग ज्ञात करना होगा, तो जो संख्या 50 से जितनी छोटी, मान लीजिए 47 का निकाल रहे हैं, कितनी छोटी है 50 से, 3, तो अंतिम की जो दो संख्याएं होंगी वो 3 का वर्ग 09। हाँ, ये ध्यान रखना है कि 0 को भी साथ लेकर के लिखेंगे अगर वह दो अंक इकाई और दहाई में नहीं है तब। कितना ज़्यादा, तो 3 ज़्यादा, 3 कम, कितना कम, तो 3 कम। तो जितना अगर कम है तो 25 में से वही संख्या 3 घटा के लिखेंगे, 25 में से 3 गया 22। इधर वाली संख्याओं को 25 घटा के लिखना स्टार्टिंग के अंक, और इधर वाली संख्याओं में 25 में जितना ज़्यादा है वही जोड़ के अगर लिखा जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर उनके बनते जाएंगे। इसीलिए हमने तुरंत लिखा था 58 का 50 में 8 ज़्यादा, तो 64, 25 और 8 33, 33 64। 51 का तो 1 ज़्यादा, तो 1 का वर्ग 1 ही, 25 1 26। 52 का तो 27 04। 55 का तो 30 25। इसी प्रकार अगर कम वाले में लिखना होगा हमको तो 48 का स्क्वायर में आ जाएगा, तो 50 में 2 कम तो 04, और 25 में से 2 हो गया 23, 25 में से 1 कम तो 24, 01। ठीक इसी प्रकार ये वाला हो जाएगा 21 और 16, 20 25, 19 36, 18 49। 25 से 7 कम था, 50 से 7 कम था, तो 25 में 7 गया 18, 7 का स्क्वायर, ये 50 से 8 कम है तो 25 में से 8 गया 17, 64 तो ये 16 81। यहाँ दो संख्याएं बच गई हैं, 56 का स्क्वायर, 50 से 6 ज़्यादा 36, 25 और 6 ज़्यादा है तो 25 छः 31, ये 7, 50 से 7 ज़्यादा तो 49, और 25 में 7 जोड़ दीजिए 32। 59 क्यों छूट जाए भाई, 9 तो 81, 25 9 34। तो इस प्रकार से 51 से लेकर के 41 से लेकर के 59 तक की संख्याओं का वर्ग हम आसानी से ज्ञात
कर सकते हैं। अब चलते हैं कैटेगरी नंबर दो। पार्ट सेकंड में हम ये देखेंगे 91 से लेकर के 109 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे हम आसानी से ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ 104 लिखा है तो तुरंत 108 16 आंसर कैसे करते हैं, तो यहाँ इन दोनों के बीच की संख्याओं को हम एज्यूम करेंगे 100 से ये ज़्यादा 100 से ये कम। यहाँ घटाने के लिए 25 नहीं, वो खुद 100 ही है घटाने और जोड़ने की प्रक्रियाओं के लिए। देखिए 104 का निकालना है अगर हमको वर्ग, तो 104 100 से कितना आता है 4, अंतिम दो संख्या उसका वर्ग 4 का वर्ग 16, और जो जितना ज़्यादा है वो उसी संख्या में जोड़ना है, 100 में नहीं जोड़ना है 50 में, जो संख्या है उसी संख्या में उतना जोड़ करके हमको लिख देना है। 104 और 4 108 ठीक। इसी प्रकार 103 में 3, 106 0 9, 105 का 110 25, 106 का 112 36, 107 का 114 49, 108 का 116 64, इधर आ जाइए दो तीन देख लेते हैं, 96 का 100 से जितना कम उसका वर्ग लास्ट, और जितना कम उसी संख्या में घटाइएगा, 96 में से 4 गया 92 जगह जब देख लीजिए, 100 से कितना कम 8 कम, अंतिम वर्ग 64, 92 में से 8 घटा दीजिए 84, 93 को लिख लीजिए 100 से 93 कितना कम 7, तो 49 और 93 में ही 7 घटा दीजिए 86। इस प्रकार से हम 91 से लेकर के 109 तक की किसी भी संख्या का स्क्वायर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने पार्ट नंबर थर्ड की ओर। पार्ट थर्ड में हम ये जानेंगे कि जिस संख्या के इकाई का अंक अगर 5 होता है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। 25 का वर्ग, 75 का वर्ग, इन सभी संख्याओं के इकाई का अंक क्या है 5 है। जैसे देखिएगा 75 का वर्ग निकालना है तो अंतिम संख्या फिक्स होगी कि 25 होगी, यानी जिस संख्या के इकाई का अंक अगर 5 होता है तो उसके आखिरी दो अंक 25 ही होते हैं, और इसके पहले वाला जो अंक होगा वो जो इनका जो पहला अंक होता है उन अंकों की अगली संख्या में उन्हीं का गुणा करके लिख दिया जाता है। जैसे 2 है तो 2 की अगली संख्या 3, 3 2 है 6, 7 है तो उसकी अगली संख्या 8, 7 8 56, 8 है तो अगली संख्या 9, 9 8 72, 6 है तो अगली संख्या 7, 7 6 42, 4 है तो अगली संख्या 5, 4 5 20। इस प्रकार आसानी से इन संख्याओं का परफेक्ट स्क्वायर निकाला सकता है। अपने चौथे पार्ट में हम ये सीखेंगे कि किसी भी अन्य छोटी संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालते हैं। हमारे छोटी संख्याओं का कहने का तात्पर्य यह है कि 1 से लेकर के लगभग 100 या 125 तक की संख्याओं का वर्ग हम कैसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल से समझाएंगे आपको, एक 78 का वर्ग और एक 32 का वर्ग। अच्छा, किसी भी संख्या का वर्ग निकालने का फॉर्मूला हमारे पास वर्ग का ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab तीनों को आपस में अगर जोड़ देते हैं तो हमारी उस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर निकल जाता है, ये हमारा फॉर्मूला कहता है। फॉर्मूले पर तो नहीं चलेंगे लेकिन फॉर्मूले के जैसे ज़रूर चलेंगे हम, और फॉर्मूले के जैसे चलने का तात्पर्य हमारा ये है कि मान लेंगे a हो जाएगा स्टार्टिंग का सारी संख्याएँ और b हो जाएगा हमारा बस इकाई की संख्याएँ। तो अगर हम इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, तो ए स्क्वायर का मतलब 49, बी स्क्वायर का मतलब 64, 7 का 49 और 8 का 64, 2ab मतलब दोनों का गुणा अब फिर उसमें 2 से गुणा, तो दोनों का गुणा का मतलब 7 8 56, 56 दूनी 112, 56 दूनी 112। जब दोनों का गुणा करके या 2 से गुणा कर लेंगे तो इधरिया का एक अंक छोड़ करके तब लिखेंगे, अब बाद में उसको जोड़ देंगे 4 8 0 6, यानी 78 का वर्ग हमको मिल गया 60 64, नहीं मन मान रहा गुणा करके देख लिया जाए, 78 × 78 8 8 64, 4 6 64 के 4 हासिल 6, 8 7 56 62, 7 8 56 6 5, 7 7 49 5 54, 4 8 6 4 10 0 5 1 6 60 84 60 84, चाहे आप इस तरीके से कर लीजिए चाहे इस तरीके से कर लीजिए। चलिए इसी प्रकार देखते हैं 32 का कैसे निकलेंगे। तो 32 में हम ए को मान लेंगे 3, बी को मान लेंगे 2, 3 का वर्ग 0 9, बी का वर्ग 2 का वर्ग 0 4। हाँ, ये ध्यान देंगे कि 0 और 4 दो संख्याओं में ही हमको लिखना है, दो अंकों में ही,
दोनों गुणा तीन दुना छः, फिर दो से छः दुना बारह, इतना वाला छोड़ के चार दो दस सौ चौबीस। अगर इसी प्रकार हमको लिखना पड़ जाए छिहत्तर का वर्ग, तो सौ सौ उनचास, छठिया का छत्तीस, सच्छ के बयालीस दो न चौरासी, छ सात सत्रह, पाँच सत्तावन छप्पन। गुणा करके भी क्रॉस चेक कर सकते हैं हम, छिहत्तर का छिहत्तर में गुणा करते हैं तो छिया का छत्तीस तीन, छः सत्तर बयालीस तीन पैंतालीस, सत्य सच्छक बयालीस के दो हासिल चार, सत्य उनचास चार तिरपन, छ सात सात पाँच, दोनों आ गया सेम। इसका मतलब ये जो रूल है वो बिल्कुल सही है। और आप चलते हैं अपने पांचवे और लास्ट स्टेप में, जो कि बहुत ही ईजी है। अंतिम और पांचवे स्टेप में हम उन संख्याओं का वर्ग निकालेंगे जिन संख्याओं का वर्ग निकालना सबसे आसान होता है, जैसे 20 का वर्ग, 70 का वर्ग, 80 का वर्ग, एंड इकाई का अंक क्या हो, शून्य हो। तो इकाई का अंक जब सुनना देखे नहीं कि अंतिम में जस्ट दो को सुनना पढ़ा देते हैं, और जो संख्या पहला होता उसी का वर्ग लिख देते हैं। 7 का वर्ग 49, दो को सुनना बढ़ा दो। 8 का 64, दो को सुनना। 6 का 36, दो को सुनना। 4 का 16, दो को सुनना। इसको ऐसे मैसेज लिख सकते हैं कि 110 का स्क्वायर अगर हमको निकालना हो तो 11 का वर्ग 121 और फिर 00। तो इस प्रकार से हम किसी भी छोटी संख्याओं का वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, अगर हम इन पांचों तरीकों का अच्छे से यूटिलाइज करना हमको आता है तो।